हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस बंदा आलू की सब्जी, जिसको गाइस बोलते हैं पत्ता आलू की सब्जी बोलते हैं। और इसकी मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे पीसों में आलू को भी काट लिया है और इसको ऑलरेडी मैंने धो के तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने डलिया में रख लिया है। डोलची में रखने से क्या रहता है गाइस, इसको 2-3 पानी से धोने के बाद इसको डोलची में रखने से इसका सारी पानी इसका नीचे रह जाएगा और इसको अच्छे से सब्जी बनाएंगे। और इसकी सब्जी बनाएंगे सूखी। तो गाइस चलते हैं गैस की तरफ। सो गाइज, अगर आप नए मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। गैस को ऑन करेंगे। लोहे की कढ़ाई रखी है मैंने और इसमें डालेंगे कड़वा तेल। 1 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। इसको गर्म करेंगे। ये गर्म हो गया है। इसमें डालेंगे गैस स्वाद अनुसार नमक, हींग एक चुटकी, जीरा, बारीक कटी हरी मिर्च आधा टीस्पून से कम, टर्मरिक पाउडर को चलाएंगे। तो मैंने पत्ता गोभी जो काट के रखी थी धोके, वो इसमें ऐड कर देंगे। चलाएंगे चलेंगे आधा टीस्पून से कम लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, इसको चलाएंगे। इसमें गाइस मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी कम रखती है तो बहुत जल्दी कड़वा बहुत हो जाता है। इसमें मिर्च ऑलरेडी मैंने हरी वाली डाल दी है। तरीके से चलाने के बाद इसको एक ढक्कन से ढक देंगे। मिलते हैं गाइस 5 मिनट के बाद। तो गाइस जब देखेंगे कैसी सब्जी बनी है। एक बार मैंने इसको चला दिया था और इसको चलाने के बाद गैस को लो फ्लेम पर कर दिया था। आप देख सकते हैं कि सब्जी इस तरीके से बनकर तैयार हो गई है। अब इसको हाई फ्लेम पर इसको भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हाई फ्लेम पर जो मैंने रख लिया था तो ये इसका पानी जो है सारा सोख गया है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया आधा टीस्पून से कम, गरम मसाला। गरम मसाला से गाइस टेस्ट बहुत अच्छा आता है और स्वादिष्ट सब्जी बनती है। और इस तरीके से ये सब्जी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। इसको सर्व कर लेंगे। आलू को आप देख सकते हैं कि ये आलू भी पक गया है। सो गाइस, पत्ता आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है, जिसको बंदा आलू भी बोलते हैं। और इस तरीके से गाइस आप चटपटी मसालेदार सब्जियां बना सकते हैं सूखी। इसको बहुत गाइस रोटी से, पराठे से, जो भी अवेलेबल आपके पास हो उससे खा सकते हैं। मक्के की रोटी से भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो गाइस आपको पत्ता गोभी आलू की सब्जी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। कम्युनिटी बॉक्स में मेरा मैंने नोटिफिकेशन दी है, जो मैंने शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, तो उसमें भी जाके आप मेरी शॉर्ट्स की वीडियो देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।